हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के धर्मशाला के मोहटली स्थित रीजनल सेंटर के प्रवेश द्वार पर एबीवीपी ने ताला जड़ दिया है। एबीवीपी का स्पष्ट कहना है कि जब तक वीसीएचपीयू यहां आकर लिखित आश्वासन नहीं देते तब तक ताला नहीं खोला जाएगा। एबीवीपी ने अपनी मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन करते हुए सरकार व एचपीयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। एबीवीपी इकाई की अध्यक्ष अमिता ठाकुर ने कहा कि वर्ष 1992 से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और स्थापना काल के समय से लेकर आज तक एक छोटे से भवन में विश्वविद्यालय चल रहा है। इस विश्वविद्यालय में पूरे प्रदेश से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो कमरों की व्यवस्था है और ना ही छात्र छात्रावास की व्यवस्था है। विद्यार्थी परिषद ने चेताया कि जल्द उनकी मांगों को अगर पूरा नहीं किया तो आगामी समय में आंदोलन उग्र होगा, जिसका खामियाजा प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना स्थापना काल से ही हमेशा छात्र हित के लिए कार्यकर्ता आया है और इस विश्वविद्यालय के कार्यकर्ता ने हमने यहाँ पे निदेशक महोदय जी को भी ज्ञापन के माध्यम से अपनी डिमांडें रखी थी और निदेशक महोदय के माध्यम से ही कुलपति महोदय जी को ज्ञापन भी सौंपे गए थे, जिसमें हमारी हॉस्टल की डिमांड और स्थाई कैंपस की मूलभूत सुविधाएं, वॉन्ड्री वॉल LLM इस कैंपस में हो और बहुत सी ऐसी मांगें रखी गई थी जिसमें कि प्रशासन ने हमें एक हफ्ते का टाइम दिया था कि जिसमें हमारे आपकी जो मूलभूत सुविधा है, जैसे हमारे बैठने के लिए सही ढंग से बेंचेस नहीं है, रूम्स की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम्स हमारे सही ढंग से नहीं है। इन मूलभूत सुविधाओं के लिए जो है प्रशासन ने हमें एक हफ्ते का समय दिया था कि हम लोग करेंगे। इसके बाद हम विद्यार्थी परिषद निदेशक महोदय जी के पास जाते हैं कि एक हफ्ते में आपने क्या क्या काम किए हैं, तो निदेशक महोदय जी हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं होता है उनका कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। इसके बाद वही निदेशक महोदय हमें 14 दिन का समय देते हैं कि इन 14 दिनों में हमारे कुलपति महोदय जी इस कैंपस में आएंगे और आपकी जो भी समस्या है, जो भी मांग है, उन्हें पूर्ण करेंगे। लेकिन 14 दिन भी हो चुके हैं, विद्यार्थी परिषद ने इस उग्र आंदोलन को इसीलिए किया है क्योंकि जो हमारे यहाँ पे मूलभूत सुविधा विद्यार्थी को मिलनी चाहिए वो इस समय इस विश्वविद्यालय में नहीं है। आज आंदोलन शुरू किया गया है, तालाबंदी भी की गई है, कितने समय का अल्टीमेटम जो है रीजनल सेंट्रल प्रशासन और एचपीयू प्रशासन को दिया जा रहा है? जब तक कुलपति महोदय इस कैंपस में नहीं आते हैं और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी।